नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बंदरों के आतंक को दिखाने वाली हूँ, किस तरह से उधम मचाया है हमारे किचन गार्डन के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर हमारा देखिए पूरा तोड़ दिया, ये देखिए ये पूरा तोड़ दिया है। ये देखिए दांत से काट काट करके ये सारा तोड़ दिया। ये देखिए पूरा चीर दिया है, ये यहीं से घुस के सारा नाश मार दिया। ये देखिए छोटे छोटे से करेले, कुंदरी, तोरी जो निकला था सब खा गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे तो मतलब इतना तकलीफ होता है, देखिए सारे जितना निकला था सब एक आध छोड़ दिया है। ये देखिए एक आध लगा हुआ है, कहीं कहीं पे एक आध बचा हुआ है, बाकी सारी सब जगह ये देखिए टहनियाँ वगैरह तोड़ तोड़ के गिरा दिया है। ये देखिए सारा खा गया। ये देखिए यहाँ करी पत्ता के भी यहाँ पे कूदा होगा ना, ये देखिए सारा तोड़ दिया। ये देखिए सारा टूटा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी डंडियाँ देखिए कैसे टूटा हुआ है, पूरी टहनी यहाँ से तोड़ दी है। ये देखिए यहाँ से करी पत्ता का पूरी टहनी तोड़ दी। कंपोस्टिंग के लिए जो डालते हैं ये देखिए सारा फैला दिया है, तितर बितर सब कर दिया है। इसमें कुछ था नहीं, खाने के लिए खोज रहा होगा, सिर्फ ये छोटा सा छोड़ दिया है, बाकी सारा खा गया, सारा उजाड़ दिया सारा। बहुत तकलीफ होता है इस तरह से जब बंदर सत्यानाश करता है। इतना अच्छा सा पौधा था बिल्कुल बेकार कर दिया, अब ये लगेगा भी नहीं। ये देखिए यहाँ भी खा खा करके गिराया है, देखिए सारा तोरी वगैरह देखिए इस तरह से खा करके गिराया है, और बाहर भी आ गया है खा करके। ये देखिए यहाँ टंकी के पास भी यहाँ भी बैठ करके खाया है। ये देखिए सारा तोरी खा खा करके गिराया है सारे। ये देखिए कल यहाँ पर जाल तोड़ दिया था पूरा, इतना फाड़ दिया था तो उसको ठीक किया था, आज फिर कहीं से घुस गया है। देखना पड़ेगा किधर से घुसा है और क्या किया है, कहाँ पे तोड़ फोड़ किया है। बहुत परेशान करते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहने देते बंदर। जब जाल था नहीं था तब तो सोच ही नहीं सकते, पौधे लगाते थे उखाड़ के फेंक देते थे, और जाल लगाने के बाद ये हाल है। ये देखिए यहाँ पर बंदरों ने पूरा तोड़ फोड़ मचाया था, सारा यहाँ पे काट दिया था। ये इसको तार से हमने ठीक करने की कोशिश करी है, अब फिर पता नहीं आगे कहाँ से वो काटेगा। 2 साल हो गए हैं लगे हुए इन जाल को, अब ये धूप और बारिश की वजह से थोड़े से कमज़ोर हो रहे होंगे। वो कोशिश तो हमेशा ही करते रहते हैं पर कामयाब हो रहे हैं, अब पहले नहीं तोड़ पाते थे, है तो प्लास्टिक ही ना। यहाँ पर बंदरों ने बहुत आतंक मचा रखा है। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सपोर्ट करने के लिए शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।